आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एडीजी रेलवे पीयूष आनंद पहली बार आगरा आए, जीआरपी लाइन के साथ थानों की व्यवस्थाओं को देखा, डीआरएम के साथ मीटिंग की। एडीजी रेलवे ने ट्रेनों के बढ़ते संचालन, महिला यात्री सुरक्षा, गांजा तस्करी सहित कई बिंदुओं पर गंभीरता के साथ चर्चा की। एडीजी बनने के बाद पीयूष आनंद पहली बार आगरा पहुंचे। एडीजी पीयूष आनंद ने सबसे पहले जीआरपी लाइन आगरा का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा। इसके अलावा एडीजी पीयूष आनंद ने तमाम सारी कमियों की भी जानकारी ली। एडीजी पीयूष आनंद का कहना था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी ली गई है। देखिए, आज जो है मैं पहली बार जीआरपी पुलिस लाइन आगरा आया हूँ। इस पूरे विजिट का पर्पस बेसिकली यहाँ क्या स्थिति है उसको देखना था। इसको निरीक्षण तो मैं नहीं कहूँगा, मैं क्योंकि पहले कभी जीआरपी पुलिस लाइन आगरा नहीं आया हूँ। ये बेसिकली देखना था कि यहाँ पे क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारी अनुभाग आगरा की जीआरपी की टीम है, सारे एसएचओज सीओज, उनसे बात करना था, उनकी समस्याएं जानना था, और उनको जो मेरी प्राथमिकताएं हैं, जो गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं उसकी प्राथमिकताएं हैं, उन सबको बताने के लिए ये मीटिंग आज इनकी ऑर्गेनाइज की गई थी। एडीजी पीयूष आनंद ने बताया कि जो कमियां हैं उसे जल्द दूर किया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है, जिसको लेकर मंडल रेल प्रबंधक से भी बातचीत की गई है, रेलवे के और अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। मतलब कुछ इश्यूज रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, कुछ जगह एकोमोडेशन बिल्डिंग की कमी है, कुछ जगह बिल्डिंग उपलब्ध है तो वहाँ पे बिल्डिंग की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो कुछ इश्यूज डेफिनेटली पॉइंट आउट हुए हैं, बिकॉज कोई भी बैठक होती है तो वो टू वे एक्सचेंज होता है, मतलब वो वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, भाई हर आदमी से उनकी दिक्कतें भी पूछी जाती हैं, और उसके क्रम में डीआरएम साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई जो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, बिकॉज इसमें से काफ़ी हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं वो रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ ही संपर्क स्थापित करके उस पर अग्रिम कार्रवाई संभव है। कोरोना संकट काल के चलते तमाम ट्रेनें बंद हैं, लगातार ट्रेनें बढ़ाई जा रही है, यही वजह है कि जीआरपी तेजी के साथ सक्रिय हो रही है। एडीजी पीयूष आनंद ने बताया कि ट्रेनों के अंदर वारदातें ना हो, इसको लेकर गहनता के साथ जीआरपी एसओ एसएचओ के साथ बैठक की गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये सारे एसएचओज को क्लियर सेंसिटाइज किया गया है कि धीरे धीरे जो है ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो हमें और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो भी अपराधी ट्रेनों में अपराध करने में पहले प्रकाश में आए हैं उन पे निगाह रखने की ज़रूरत है, उनको चेक करने की ज़रूरत है, और जो भी आदमी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं उन पे सख्ती से वैधानिक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यही चीज़ सभी थानाध्यक्षों को बड़े स्पष्ट शब्दों में बताई गई है। ट्रेनों के माध्यम से गांजा तस्करी पर एडीजी पीयूष आनंद का कहना था, इस पर भी काम किया जा रहा है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनसे इस बात की जानकारी भी की जाए कि उनके आका कौन है, विशाखापट्टनम से लेकर दिल्ली तक कौन कौन इस नेटवर्क में जुड़े हैं, इस बात का भी पता लगाया जाएगा। गांजा तस्करी या वो कोई भी अपराध है उसके लिए ज़रूरी है, यही चीज़ मैंने अपने सभी अधिकारियों को बताई है कि आप कोई भी अपराधी अगर पकड़ में आता है तो उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, वो कहाँ से ला रहा है और कहाँ ले जा रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, कहाँ बेच रहा है, वो सब भी उससे पूछताछ करें, ताकि ऐसे जो लोगों पे हैं उनके खिलाफ भी हम वैधानिक कार्रवाई कर सकें। तो वैसे ही कार्रवाई करने के लिए इस केस में भी और अन्य केसेस में भी सबको बताया गया है। ट्रेनों में महिला यात्री सुरक्षा को लेकर एडीजी पीयूष आनंद ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि पहले से ही तमाम सारी व्यवस्था है, लेकिन मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाया जा रहा है। किसी भी महिला यात्री को ट्रेन में परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। के निर्देशन में महिला शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है, उसी के क्रम में हम लोगों ने भी सभी थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किया है, उसी के क्रम में उसको सभी लोगों को उस मिशन की इम्पोर्टेंस दोबारा एम्फसाइज की गई है, सेंसिटाइज किया गया है, और ये उम्मीद की गई है कि जो भी महिला यात्री ट्रेन में या कोई महिला यात्री प्लेटफॉर्म पे जीआरपी के संपर्क में आता है तो बड़ा अच्छा व्यवहार उसके साथ रहे, उसकी समस्या को तुरंत हम लोग सुने और त्वरित गति से उस पर जो भी कार्रवाई हमें करनी है वो हम लोग करें।
ट्रेनों का संचालन बढ़ने लगा है। ट्रेनों के संचालन बढ़ने के साथ अपराधियों की संख्या भी बढ़ेगी। यही वजह है कि ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरीके से हो सके, इसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ गहन मंथन कर रहे हैं। तमाम ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें जीआरपी की गश्त रहती है और तमाम ट्रेनों में आरपीएफ की गश्त रहती है। आरपीएफ और जीआरपी का तालमेल बेहतर बना रहे, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।